हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PYQ इन 1 मिनट। आज हम CBSE 2023 के अंदर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर से पूछा हुआ एक MCQ सॉल्व करेंगे। MCQ में क्या पूछा है कि हमारे को एक इक्वेशन गिवन है, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हमारे को यहाँ x और y गिवन है, हमारे को x और y की वैल्यूज बतानी है। तो क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ। इन ऑर्डर टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यूज ऑफ द कोफिशियंट्स x एंड y रेस्पेक्टिवली आर। इन चार ऑप्शन में से हमारे को बताना है कि x की जगह पे क्या आएगा, y की जगह पे क्या आएगा। तो जब कभी भी इस टाइप का सवाल आए तो सबसे पहले एक टेबल के अंदर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स गिवन है उनके एटम्स के नंबर लिख लिया करो। जैसे कि यहाँ पे PB एक सिंगल गिवन है तो मैंने यहाँ एक लिख लिया। नाइट्रोजन यहाँ पे, यहाँ बाहर 2 है तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, इधर की तरफ नाइट्रोजन 2 है। और ऑक्सीजन इधर 3 2 6 होंगे, मैंने लेफ्ट हैंड साइड के सारे एलिमेंट्स के एटम्स के नंबर लिख लिए। उसी तरीके से अगर मैं राइट साइड में बात करूँ तो PB यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन देखो 2 एरा 2 एरा और 2 एरा, तो टोटल ऑक्सीजन कितना है 6 है और नाइट्रोजन कितना गिवन है 1 गिवन है। अब हमारे को एक एक करके सबको बैलेंस करना है। आप यहाँ देख सकते हो अभी के लिए ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, लेकिन हो सकता है कि जब हम किसी और को बैलेंस करें तो ये अनबैलेंस हो सकता है। जैसे सबसे पहले हम PB को ही देखते हैं, तो PB इधर 2 है तो इधर 2 होने चाहिए, तो हमारे को x की जगह पे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर की तरफ जैसे ही मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अब देखो सिचुएशन बदल जाएगी। सिचुएशन क्या बदलेगी, ये तो बैलेंस हो गया लेकिन नाइट्रोजन देखो कितना हो चुका है, 2 तो पहले से था और बाहर एक और 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो अब नाइट्रोजन 2 नहीं रह के कितना हो चुका है, 4 हो चुका है। और इधर की तरफ अभी भी नाइट्रोजन कितना है, 1 है। इधर देखो ऑक्सीजन कितना था पहले, 3 2 6 था, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो गया। यानी ऑक्सीजन की कंडीशन भी बदल के 12 हो चुकी है, इधर अभी भी 6 है। अब इधर की तरफ बैलेंस करना है तो यहाँ तो कुछ करना नहीं है, यहाँ कुछ करना नहीं है। अब देखो इधर नाइट्रोजन 4 हो चुका है, इधर 1 है, तो इसकी जगह पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। जैसे ही मैं 4 लगाऊंगा तो नाइट्रोजन भी 4 हो चुका है। अब दोनों तरफ के नाइट्रोजन बैलेंस हो चुके हैं। अब ऑक्सीजन को भी देख लेते हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 2 8 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 8 और 2, तो इधर की तरफ ऑक्सीजन भी कितने हो चुके हैं, 12 हो चुके हैं। तो हमने दोनों तरफ को बैलेंस कर दिया, तो हम बोल सकते हैं x की जगह पे तो 2 आ रहा है और y की जगह पे 4 आ रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप ये चीज़ आप लोगों को समझ में आई होगी। इसी तरीके के और 1 मिनट PYQs देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।